हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आई एम योर होस्ट सिद्धांत एंड यू गाइस आर वाचिंग निंजा ब्लेड यूट्यूब चैनल। सो गाइस यार, आज की टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं पैच नोट 2.2b के बारे में। और भाई मतलब फाइनली यार मज़ा आ गया है मुझे, क्योंकि भाई इस पैच में इतने सही नर्फ और बफ चैम्प हुए हैं ना भाई, मतलब मैं क्या बताऊँ। और तुम्हें भी मज़ा आने वाला है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। एंड इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले गाइस, कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन दबा लेना फुल लेटेस्ट अपडेट। सो चलो यार जल्दी से इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले अपन बात करेंगे न्यू चैंप्स के बारे में जो कि आने वाले हैं। तो हमारा पहला चैंप जो है रेंगार द प्राइड स्टॉलकर, जो कि भाई एक जंगलर चैंप होने वाला है। एंड ये चैंप मुझे भाई पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मेरे को खेलना भी है। एंड आई होप कि यार ज़्यादा नर्फ नहीं रहे स्टार्टिंग में चैंप, मतलब थोड़ा पावरफुल होना चाहिए। और हमारा जो सेकेंड चैंप है वो है खाजिक्स द वॉइड रिवर। एंड ये चैंप भी सच्ची में बताऊँ तो भाई ईयरली गेम में बीस्ट होने वाला है ये चैंप, क्योंकि भाई इसको देखते ही लगता है कि साला ये ईयरली गेम चैंप है। एंड प्लस में भाई आई होप कि ये भी मतलब थोड़ा सा पावरफुल हो, क्योंकि भाई पूरा नर्फ वगैरह करके दे देता है। जैसे रामस अभी आया है, रामू काका, इनका तो कुछ डैमेज नहीं है। तो भाई अभी बढ़ते हैं आगे एंड बात कर लेते हैं कुछ स्किन्स आने वाले गेम में। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फोकास जना का स्किन है पहला, एंड सेकेंड स्किल जो है वो है प्रोग्रामर नामी का। यहाँ पे थर्ड स्किन जो है फाइनली गॉड किंग रेडियस आ रहा है। एंड यहाँ पे फोर्थ स्किन जो है वो है गॉड किंग गैरन का। एंड पांचवा वाला स्किन जो है डेथ ब्लू खाजिक्स का है, खाजिक्स का स्किन है जो कि भाई मस्त होने वाला है, लेट्स सी। एंड यहाँ पे लास्ट स्किन जो है नाइट हंडर रेंगार जो है भाई अपना न्यू जंगलर, जो कि भैया फाड़ू होने वाला है। और ये सारे जो स्किन्स भाई आएंगे वो पैच नोट 2.2 के साथ ही आने वाले हैं। तो चलो अभी बात कर लेते हैं भाई नर्फ और बफ वाले चैंप्स के बारे में। अपन स्टार्टिंग करेंगे नर्फ वाले चैंप से। तो हमारा नर्फ वाले लिस्ट में जो पहला चैंप आता है वो है डेरियस। एंड फाइनली भाई डेरियस को नर्फ मिला, जो कि बहुत ही तगड़ा चैंप हो चुका था। तो इसका जो है भाई बेस स्टेट्स में जो है हेल्थ इसके 650 से 610 HP कर दिया गया है। एंड इसका जो हेल्थ रिजनरेशन होता था 9 से अभी 7 कर दिया गया है। तो भाई फाइनली आई होप कि आप लोग को अच्छा लगे ये वाला नर्फ सुन के, क्योंकि भाई डेरियस फाइनली नर्फ हुआ है। और डेरियस आप लोग को पता है टीम फाइट्स में कितना पावरफुल है, क्योंकि भाई उसका एक बार अल्टीमेट सही से लगा तो भैया ख़त्म, सब खत्म भाई बस। तो अभी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले चैंप की तरफ। सो गाइस हमारा सेकंड चैंप जो है नर्फ लिस्ट में वो है एवलिन। तो भैया फाइनली एवलिन को यहाँ पर नर्फ मिला है। एंड एवलिन का जो अल्टीमेट का सिर्फ कूलडाउन जो है भाई मतलब ये कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। सो यहाँ पे 100 सेकंड से 120 सेकंड एंड 80 सेकंड से 95 सेकंड, 60 सेकंड से 70 सेकंड्स। तो मैं बोलूँगा हाँ भाई सही है, ठीक ठाक नर्फ है एवलिन को। एंड क्योंकि भाई एवलिन का अल्ट जल्दी आने से वो ड्रैगन वगैरह स्टील भी कर सकती थी, आपको पता होना चाहिए। मतलब ड्रेक और बैरन स्टील करने में तो भाई एवलिन से बड़ा चैंप कोई है ही नहीं, मतलब गॉड होती थी। तो एक तरह से अल्टीमेट पर नर्फ देके काफ़ी सही काम किया गया है, क्योंकि अल्टीमेट और स्माइट का कॉम्बो तो भाई सबको पता ही होगा। सो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले चैंप की तरफ। तो गाइस यहाँ पे कैटरीना को एकदम से सही नर्फ दिया गया है। एंड मैं इस पैच में पहला ऐसा नर्फ देख रहा हूँ जिसको देखने के बाद मुझे मज़ा आ रहा है, क्योंकि कैटरीना भाई ये चैंप के अगेंस्ट मैं इतना विनिंग मैच हारा हूँ ना भाई, मतलब जो मैच में मतलब 10-1 भी रहूँगा ना जिक्स से, तो वो मैच भी मैं हार जाता हूँ कैटरीना की वजह से। और फाइनली इसका पैसिव नर्फ हो चुका है, जिसका डैमेज 72 to 240 था तो अभी 62 to 230 कर दिया गया है, 230। तो ये सही है एक तरह से। इसका थर्ड एबिलिटी का रेंज भी ख़त्म भाई, मतलब 6.5 से 6, मतलब छोटा सा भी नर्फ है, मतलब उतना बड़ा नर्फ तो मैं नहीं बोलूँगा, बट भाई दिया तो सही, मतलब मज़ा आ गया। मेन इसका पैसिव नर्फ हुआ है ये सही लगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि कैटरीना भाई पैसिव चैंप है, फुल पैसिव पर डिपेंड रहती है। तो भाई मतलब मज़ा आ गया भाई नर्फ दे के कैटरीना का। तो चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट वाली चैंप की। और भाई मैंने जैसे कि मैं आप सब जानते हैं रायट गेम्स को मेरी खुशी देखी नहीं जाती है, और यहाँ पे फाइनली मेरा फेवरेट, वन ऑफ दी फेवरेट चैंप्स यहाँ पे नर्फ हो चुका है जिक्स। और भाई इसका जो फर्स्ट एबिलिटी है बाउंसिंग बॉम्ब, और भाई मेन एबिलिटी ही सालों ने नर्फ कर दिया, यहाँ पे कूल डाउन बढ़ा दिया है, ये अच्छा किया, मतलब कूल डाउन एटलीस्ट बढ़ाया है, मतलब ज़्यादा वो नहीं कराया, मतलब क्या बोलते हैं
ये डैमेज वगैरह कम नहीं करा, ये सही लगा मेरे को। और लेट गेम में वापस से उतना ही आ जाएगा, सिर्फ ईयरली में इसको नर्फ किया गया, समझ रहे हो। ईयरली में इसका कूलडाउन जो है ख़त्म कर दिया गया है, मतलब 6 से 7.5 देख सकते हो, और लेट गेम में 4.5 का मतलब 4.5 ही है। तो भाई चलो कोई नहीं, जिक्स को उतना ज़्यादा भी नर्फ नहीं मिला, बस ईयरली में इसको जो है भाई थोड़ा सा वीक कर दिया है। बट फिर भी देख लेंगे भाई हम जिक्स यूज़र, कुछ ना कुछ नया रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे बॉम्ब पटकने का। सो चलो बढ़ते अगले जो है चैंप की तरफ। यहाँ पे ड्रैवन को भी नर्फ मिल चुका है, जो कि आई डोंट नो सही है कि नहीं, बट मैं इतना बताऊंगा कि मैं आज स्ट्रीम में भाई ड्रैवन खेलने वाला था, बट इन लोगों ने भाई ड्रैवन नर्फ कर दिया है, तो नो मोर ड्रैवन गाइस। अभी अपन यासू स्पैम करेंगे। तो चलो बात करते हैं नर्फ के बारे में। सो इसका फर्स्ट एबिलिटी पर जो है नर्फ मिला है, इसका डैमेज जो है 55 से 45 कर दिया गया है, एंड 60 से 50 एंड 65 से 55 एंड यहाँ पे 70 से 60 कर दिया गया। तो भाई एक तरह से ह्यूज नर्फ तो नहीं, बट हाँ नर्फ तो मिला है भाई डेरियस को, सॉरी डैवन को। तो भाई पता नहीं क्यों यार ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, जो चैम मैं खेलने वाला रहता हूँ वही चैम नर्फ हो जाता है, बट इट्स ओके भाई। चलो अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अभी जो बफ जितने भी चैम्पियन बफ हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। बफ लिस्ट में हमारे पास पहला चैम्प जो है वो है लियोना है, एंड लियोना को यहाँ पे बेसिक स्टैट में जो है हेल्थ जो रिजनरेशन होता है 7.5 से 9 कर दिया गया है, एंड इसका पैसिव जो सनलाइट होता है डैमेज उसका 25 to 137 था, तो 33 से 145 कर दिया गया। इसका थर्ड एबिलिटी का रेंज बढ़ा दिया गया है, 7 से 7.5 कर दिया गया है। तो भाई ये सेकेंड टाइम है जब लियोना का बफ मिल रहा है, तो मज़ा आने वाला है, एंड ये लोग चाहते हैं भाई लियोना मेटा हो। सो भाई ब्रॉम भाई नहीं छोड़ने वाला जगह पे, भाई ब्रॉम ही रहेगा मेटा अभी तो। सो चलो बात करते हैं नेक्स्ट चैंप की। तो गाइस यहाँ पे इन चूतियों ने गैलियो का नर्फ किया था, एंड अभी इन्हें पता चला कि गैलियो का नर्फ नहीं करना था इतना ज़्यादा, एंड ये लिखे भी है कि मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों ने नर्फ दे दिया गैलियो को, और मुझे भी पता था भाई, इसीलिए मैं गैलियो खेलना ही छोड़ दिया था, और अभी इनको पता चला। तो यहाँ पे इसका हेल्थ पर लेवल जो है भाई 115 से 125 कर दिया गया है। इसका पैसिव का जो है कूलडाउन जो है मतलब पहले 5 सेकंड्स था तो अभी 5 ही है, 4.5 था तो अभी 4 कर दिया गया है, एंड पहले 4 सेकंड्स था तो अभी 3 सेकंड, एंड फर्स्ट एबिलिटी पे जो बग फिक्स कुछ किया गया है, एंड इसका हेल्थ एपी रेशियो पर जो डैमेज था 1.5% था तो अभी 2% कर दिया गया है। तो भाई फाइनली मज़ा आ गया, चलो एटलीस्ट एक चैम्प तो बफ हुआ मिड का। सो चलो बढ़ते हैं अगले चैम्प की तरफ। तो गाइस यहाँ पे ऐसे को भी बफ मिला है, इसका सेकेंड एबिलिटी का जो कूलडाउन है इन लोगों ने कम करा है, एंड यहाँ पे रीज़न भी दिया हुआ है ऊपर आप लोग देख सकते हो। तो इसका कूलडाउन पहले 14 सेकेंड होता था तो अभी 13 कर दिया है, 11 होता था तो 10 कर दिया है, 8 होता था तो 7, एंड जहाँ पे 5 सेकेंड लेती थी तो अभी 4 सेकेंड ही लेगी। तो चलो अभी बात करते हैं नेक्स्ट चैम्प के ऐसे को। तो भाई बहुत ही छोटा सा मतलब बफ मिला है, बट फिर भी भाई एक छोटा सा भी बफ बहुत मायने का रखता है। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैम्प की तरफ। सो भाई इन चूतियों ने इतनी बड़ी गलती की है ना भाई, यहाँ पे मैं बताऊँगा भाई ट्रिस्टाना को इतना ज़्यादा यूज़ बफ दिया है ना भाई यहाँ पे। सो इसका थर्ड एबिलिटी पे भाई देखो डैमेज देखते जाओ कैसे बढ़ाया भाई, 65 से 70, 80 से 90 एंड 95 से 110 एंड 110 से 130। भाई मतलब ये क्या है भाई। ओके अभी इसका अल्टीमेट देखो, इसका अल्टीमेट का जो बेस डैमेज है भाई वो 300 था तो 350 कर दिया भाई, जहाँ पे 400 था तो वहाँ पे 450 और जहाँ पे 500 था तो वहाँ पे 550। तो भाई ये क्या है भाई, मतलब ट्रिस्टाना को इतना ज़्यादा बफ भाई, मतलब कुछ अलग ही लेवल का बफ दे दिया है भाई ये। तो अभी ट्रिस्टाना मतलब भाई वो करने वाला है, ठीक है, तो ट्रिस्टाना भाई बहुत ही अभी फाड़ करने वाली है मेटा में, धूम मचाने वाली है। सो अभी क्या बोल सकते हैं। सो चलो बात करते भाई अगले चैंप के, भाई अभी कर ही क्या सकते अपन, ठीक है। ये वाली जो बफ है यार कैथोडे के लिए अच्छा है, क्योंकि कैथोडे वेन स्पैम करता है, सो स्पैम नहीं मतलब खेलता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अल्ट का इसका भाई बोनस एडी जो है 20 से 30 कर दिया गया है, 30 से 40 एंड 40 से 50 एंड कूलडाउन जो होता है वो 90 सेकंड से 80 सेकंड कर दिया गया है भाई, 75 से 70 और 60 से 60 सेकंड, मतलब ईयरली में इसको थोड़ा सा वो किया गया है। तो भाई कतई जहर है भाई, और वेन को फाइनली एक और बफ, तो मज़ा आने वाला है। सो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट चैम्प के तरफ। सो गाइस यहाँ पे वायरस को भी बफ मिला है, इसका जो बेस स्टैट में बेस माना होता है 345 से 390 कर दिया गया है, एंड जो सेकंड एबिलिटी होता है मिसिंग हेल्थ डैमेज जो है भाई लेवल 1 पे 6.5% था तो अभी 6.5
5% से 13% कर दिया गया है एंड लेवल 15 पे जो है भाई 13% टू 20% था, तो अभी जो है 13% टू 27%, मतलब देख रहा भाई ह्यूज बफ है एक तरह से वायरस को, तो मज़ा आने वाला है भाई, देखते हैं क्या होता है, वायरस मेटा आता है कि नहीं। मतलब वायरस को पिछली बार भी बफ मिला था बट उतना कुछ धमाल नहीं कर पाया, सो अभी देखते क्या होता है। सो चलिए बढ़ते भाई नेक्स्ट चैंप की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट चैंप है वो है ज़ाया, एंड ज़ाया का सेकंड स्किल पे जो है बफ मिला है, इसका माना जो है 60 से 50 कर दिया गया है, एंड अभी जो कूलडाउन होता है वो 20 था तो अभी 90 सेकेंड, एंड 18 सेकेंड था तो 17 सेकेंड, एंड 16 सेकेंड से 15 सेकेंड, 14 सेकेंड से 13 सेकेंड कर दिया गया है। एंड इसका जो थर्ड एबिलिटी होता है उस पर जो रूट ड्यूरेशन 1 सेकेंड था पहले, तो अभी 1.5 सेकेंड किया गया है। तो मुझे नहीं लगता भाई ज़ाया को बफ देना चाहिए था, बट इन लोगों ने बफ दिया है, ज़्यादा बड़ा बफ भी नहीं है क्योंकि ज़ाया बहुत ही पावरफुल चैम्प है अगर उसको फीड मिलता है तो। लेट्स सी, अभी ज़ाया तो शायद से अच्छी परफॉर्म करने वाली है। तो गाइस आई होप कि ये वाले पैच आपको पसंद आई हो एंड मेरी वीडियो भी, एंड मैंने आपको हर एक जो है अपडेट बताया है इस पैच में से, लेकिन मैंने एक दो इवेंट्स के बारे में नहीं बताया, तो वो आप जाके देख सकते हो वेबसाइट पे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एंड वैसे भी गेम में आएंगे तो अपने को पता चल जाएगा। सो गाइस यार इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रैप करेंगे, एंड अगर आप लोग चैनल पे हो तो हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना फुल लेटेस्ट अपडेट। सो चलो यार इस वीडियो को रैप कर लेते हैं। सो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।